की क्लास में हम लोग देख रहे थे, एक फॉर्म में देखा था कि फॉर्म मॉड्यूलेशन क्या है। ठीक है, हमने तीन चार लेयर्स देखे थे। तो मॉड्यूलेशन, सबसे पहले मॉड्यूलेशन क्या होता है, कोई भी सिग्नल अगर एफएम फ्रीक्वेंसी का है या एफ1 फ्रीक्वेंसी का है, एफएम स्टैंड फॉर मैसेज, कोई भी मैसेज आप भेजो जो फ्रीक्वेंसी एफएम है, या इसको बोलो कि कोई ऐसा सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ एफएम है ना। बैंडविड्थ कहने का मतलब अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख रहे हैं और उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंफर्म पॉजिटिव साइड में एफएम है, हम उसको जो ये उसकी बैंडविड्थ हो जाती है। ठीक है, है ना, ये उसकी बैंडविड्थ होती है सिग्नल। अगर ये स्पीच सिग्नल हम दे रहे हैं तो उसका जनरल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी होती है ना, जैसे तो डिस्कस किए थे। और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफएम है, इसकी बैंडविड्थ एफएम होती है, एक बार उसको ओमेगा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा वहां पे अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे, है ना, इसके बाद अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे, टाइम खत्म हो गया है। तो बैंड कई जगह पे ओमेगा एम भी लिखी रहती है, तो उसका वही मतलब होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वहां पे ओमेगा है। तो अगर जैसे हमारे पास कोई कॉस का फंक्शन है या हमारा मैसेज कॉस फंक्शन है, जैसे हम कर ले रहे थे एम कॉस 2πfm, है ना, तो इसके स्पेक्ट्रम में क्या पता चलता है कि दो इम्पल्स होते हैं, इसमें कितने फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है एफएम, है ना। तो इसको किसमें केवल एक ही फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, तो इसको कई बार सिंगल टोन सिग्नल भी बोलते हैं। सिंगल टोन में कहने का क्या मतलब, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी इसमें एग्जिस्ट करती है ना। मल्टी टोन बोलेंगे तो क्या होगा, मोर देन वन, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा सिग्नल जिसमें मोर देन वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो मल्टी टोन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस बीच सिग्नल में ये सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल है ना, जीरो से लेके एफएम तक ये सारे अवेलेबल है ना, और इनके बीच के भी सारे, ये क्या है, ये मल्टी टोन सिग्नल है। ठीक है, मॉड्यूलेशन करते क्या है, कोई भी एफएम सिग्नल को ट्रांसलेट कर देते हैं किसी भी एफसी प्लस माइनस एफएम, प्लस माइनस एफएम कहने का मतलब ये पूरा जाएगा, जब ट्रांसफर होगा एफसी पे इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा एफसी प्लस एफएम, ये वाला आएगा एफसी माइनस, ये ऑफ द अपर साइड में ये बन जाती है लोअर साइड में। अगले सब डिस्कस कर चुके हैं, अल्टीमेटली मॉड्यूलेशन से हम करते क्या है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हमें मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम वायर के थ्रू कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो वायर यूज नहीं करते, क्योंकि वायर यूज करने पर डिस्टॉर्शन हो जाएंगे, वेरियस काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, वो अटेन्यूएशन के फॉर्म में हो सकता है, इंटरफेरेंस के फॉर्म में हो सकता है ना, और एनर्जी लॉस, अटेन्यूएशन बोल रहे हैं एनर्जी लॉस ही हो गया, सिग्नल अपना मीनिंग हो सकता है, तो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे होंगे उसका मतलब बदल जाएगा, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कभी भी वायर के थ्रू नहीं करते, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायरलेस करते हैं, है ना। ब्लॉक डायग्राम बनाया गया तो देखा है उसमें, तो वायरलेस जब भी करता है तो मॉड्यूलेटर उसमें सेकेंड थिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन जब करेंगे तो एंटीना के थ्रू करना होगा। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए फेथफुल रेडिएशन ऑफ सिग्नल के लिए एंटीना की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई फोर, है ना, और जब भी लैम्डा बाई फोर होगी यानी कि इसको लिख सकते हैं सी अपॉन एफ
लेंदर को फ्लिप होने फ्लिप करके अगर सीव का स्पीड ऑफ लाइट है ना, कलर फ्रिक्वेंसी तुम्हारी लो है हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में है, तो ये हाइट जो आती है ये किलोमीटर्स में आती है, ठीक है, विच इज एच आता है एच इन किलोमीटर, विच इज नॉट कैपिटल। है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर जैसे स्पीड सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेशियो बहुत अलग होता है। जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पे ले लें फ्रीक्वेंसी, इसी को लोएस्ट मान लें, सपोज करो ये 300 हर्ट्ज है जो होती है एक्चुअल 6.4 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है स्पीच सिग्नल में या ऑडियो सिग्नल में जो हम बोल रहे हैं, है ना। तो इसका अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी करते हैं तो वो ग्रेटर देन वन आता है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी की हाइट एंड इस फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना की हाइट सेपरेट होगी, इस फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना की हाइट सेपरेट होगी। हमें बार बार एंटीना की हाइट को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, और कई बार ये फिजिबल नहीं होता इतने बड़े एंटीना में, छोटा एंटीना उसके बाद अलग है, लेकिन अगर वहाँ पर उसकी हाइट हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार उसकी हाइट को हम 50 मीटर से प्लस माइनस में रहें। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं इसको, इसलिए भी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, तो मॉड्यूलेशन करके करते क्या है इसको स्केल कर देते हैं 10^6 पे या 1 MHz पे, 10^6 हर्ट्ज प्लस 300 हर्ट्ज, सिमिलरली इसको भी 10^6 हर्ट्ज प्लस 3.4 3400 हर्ट्ज, है ना। मॉड्यूलेशन से हुआ कि अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे ये ऑलमोस्ट fs' ये ऑलमोस्ट इक्वल वन आ जाएंगे, मतलब एफ एच को ट्रांसमिट करने के लिए सेम हाइट लगेगी एंटीना की और एफ एल को ट्रांसमिट करने के लिए भी सेम हाइट लगेगी। ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो फॉर्मूले में, तो हम लोग कल कर चुके हैं, है ना, इसलिए मॉड्यूलेशन करते हैं। और फोर्थ रीजन क्या होता है, फोर्थ रीजन होता है मल्टीप्लेक्सिंग। अगर मोर देन वन सिग्नल एक साथ हम भेज रहे हैं, है ना, अगर एक साथ हम भेज रहे हैं और मॉड्यूलेशन किए बिना भेज रहे हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी ओवरलैप करेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं एक साथ, जैसे इसी चैनल पे एक साथ 5 लोग बोलने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किस कौन क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन लॉक हो जाएगी, है ना, सुनाई पड़ेगा लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन माइट भी लॉक हो। इसलिए हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट करते हैं, इसको FC1 पे कर दिया, इसको FC2 पे कर दिया, FC3 पे कर दिया, जितने चैनल्स हैं, तो जिस सिग्नल को हमें डिमॉड्यूलेट करना होगा या वापस रिसीव करना होगा, डिमॉड्यूलेशन क्या करता है वापस FC प्लस FM या प्लस माइनस FM लिखो, इसको वापस FM पे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम देखेंगे, तो उसको बना भी लेना तो वरना बुक में है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमको ये इसको सुनना है तो हम एक बैंड पास फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इसको रिकवर करेंगे और उस चैनल पर भेज देंगे, सपोज वो चैनल हुआ सिमिलरली ये चैनल को सिमिलरली इसको रिकवर करेंगे चैनल से, ऐसा बैंड पास फिल्टर लेंगे जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC2 हो और पास बैंड इतना हो, है ना, या बैंडविड्थ इतनी हो। जैसे हम लोग टीवी रिमोट करते हैं, टीवी रिमोट क्या करता है, रिमोट कुछ नहीं करता, ये सारे चैनल्स हमारे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू या सेटेलाइट के थ्रू आ रहे होते हैं, है ना, इस टीवी के थ्रू जैसे भी जिससे हमको सिस्टम होता है ना, ये सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम रिमोट से क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल को सिलेक्ट करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं, वही चैनल उस चैनल पे वही सिग्नल हमें मिलता है, उसी चैनल का सिग्नल मिलता है, है ना। सिग्नल भी चेंज करते हैं तो क्या होता है वो फिल्टर चेंज हो जाता है, वो दूसरे चैनल के लिए आ जाता है, है ना। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा टीवी रिमोट सिस्टम हो सकता है, टेलीविजन मूविंग रिमोट, रिमोट नहीं भी होगा तब भी चलेगा। हाँ एक डाउट है, ये जब मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो जब इसके बाद जब डीमॉड्यूलेशन होगा तो बार बार फिल्टर भी तो चेंज होंगे। हाँ तो अलग अलग फिल्टर होते हैं ना, अलग अलग चैनल पे एक ही चैनल पे नहीं होगा, फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा फिल्टर फिक्स है, अगर तुमने फिल्टर अपना फिक्स रखा हुआ है तो वो केवल एक ही चैनल को सिलेक्ट कर पाएगा या एक ही रेंज को सिलेक्ट कर पाएगा, है ना। तो ये अलग अलग फिल्टर्स हैं, ये सारे अलग अलग फिल्टर। तो सर जो फिल्टर है वो वन एट अ टाइम करके करेंगे ऐसे? हाँ, एक्चुअली फिल्टर जो डिजाइन करते हैं, फिल्टर्स कुछ नहीं होते, वो फिल्टर्स बनते हैं तुम्हारे कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बहुत तरह के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के ये एक सिंपल फिल्टर है, ठीक
वो हाई पास है लो पास है वो कैसा है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एक तरह का फिल्टर है, ठीक है, सिग्नल एक तरह का फिल्टर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम उसकी रेंज चेंज करनी है तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सी की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, एक होता है हमारे पास वैरेक्टर डायोड है ना, उसमें जैसे जैसे उसका वोल्टेज है उसके अक्रॉस बढ़ाते हैं, रिवर्स बार जैसे बढ़ाते हैं उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, ध्यान है नहीं ध्यान है? यस सर। जैसे जैसे हाँ जैसे जैसे रिवर्स बार इसके अक्रॉस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है ना, वोल्टेज के मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यस सर, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस, तो इस तरह से वैल्यू मॉड्यूलेशन में भी करते हैं, मॉड्यूलेशन जो हम पढ़ रहे हैं कैसे करेंगे इसकी सर्किट्स भी पढ़ेंगे, सर्किट्स मतलब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, तो उसमें भी यूज यही होता है ना, क्योंकि कैपेसिटर भी क्यों कैपेसिटर्स बल्कि होते हैं, कैपेसिटर बल्कि होता है तो बहुत सारे कैपेसिटर्स में अगर ऐड कर रहे हो फिर तुम्हारी डिजाइन जो है फिल्टर की वो बहुत बल्कि हो जाएगी, वो छोटे में कॉम्पैक्ट बनाना बड़ा मुश्किल होगा है ना, तो जैसे पहले तुम्हारे ट्रांजिस्टर आते थे एक एक कमरे के बराबर होते थे है ना, लेकिन अब क्या है अब छोटी सी चीप आती है, एक पूरे मोबाइल में तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं है ना, उसका रीजन क्या है कि सब चीज हम एक ही चिप में हम चाहते हैं है ना, तो इसीलिए हम कॉम्पैक्ट चाहते हैं, तो हम अलग अलग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स नहीं चाहते, हम एक ही कंपोनेंट में बाय अप्लाइंग सम वोल्टेज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करके उसी की वेरियस वैल्यूज हम चाहते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस को हम वोल्टेज के थ्रू ठीक है मॉड्यूलेट कर लेते चेंज कर लेते हैं, तो हमें जैसे सपोज करो एक फिक्स्ड रिवर्स बायस वोल्टेज पे कोई C1 मिल रहा था ठीक है, तो सिमिलरली अगर वोल्टेज हम चेंज करेंगे तो C2 मिलने लगेगा ठीक है, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है फिल्टर की होती है 1/2πRC, अगेन अलग अलग फिल्टर की अलग अलग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे कट ऑफ वैल्यू भी चेंज हो जाती है ठीक है, तो इस तरह से एक ही फिल्टर में जिस वो फिल्टर जिस कंपोनेंट से बनाया उसकी वैल्यूज को ट्यून करके इसको ट्यूनिंग बोलते हैं है ना, ट्यून करते हैं ना रेडियो पे अगर देखा हो तो चैनल को हम ट्यून करते हैं ना, वो ट्यूनिंग क्या होती है एक्चुअली फिल्टर को हम उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे होते हैं, हमें जो चैनल सेलेक्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट कर, ट्यूनिंग इसी को बोलते हैं, अगर ट्रांजिस्टर याद हो किसी को बचपन में देखा होगा ना तो यहाँ पे एक ट्यूनर लगा रहता था उसको घुमाते थे जिसपे एयर क्या बोलते हैं उसको विविध भारती वगैरह जिसपे आते थे ना, तो उसपे शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव ऐसे बना रहता था इसको ट्यून करो कि ऊपर नीचे घूमता था है ना, तो एक्चुअली वो हम फिल्टर ही कर सकते हैं और उसको घुमाने से कम ज्यादा करने से उसमें वही इसी की वैल्यू चेंज हो रही है ठीक है, कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस की तो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ठीक है, तो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसके लिए अलग से चैप्टर भी है ठीक है, रिसीवर जब हम लोग पढ़ेंगे तो टाइम रिसीवर उसके लिए वो स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाई थी, उसी के लिए चैप्टर में शुरू से किया गया। हाँ तो क्या बता रहे हैं, हाँ तो ये चार चीजें हैं है ना, मल्टीप्लेक्सिंग, एंटीना हाइट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और नैरो और सारी फ्रिक्वेंसीज को एक ही हाइट एंटीना से ट्रांसमिट करना है इसलिए ठीक है, यानी FH के लिए भी सेम हाइट चाहिए, FL के लिए भी सेम हाइट चाहिए, केवल FH और FL को क्यों लेते हैं क्योंकि ये बाउंड्री वैल्यू है ना, अगर FL के लिए सेम है तो उनके बीच की सारी वैल्यूज के लिए भी सेम ही होगा है ना, तो बोल रहा है क्या आपके वॉइस में काफी नॉइज आ रही है, आप फिर से बोलो सर, स्वास्थ्य का हाँ बोलो, नॉइज आ रही है, नॉइज आ रही है सबको आ रही है क्या ना, यस सर, अच्छा रुको आप बताओ सर, अब क्लियर है, यस सर, ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, अगर हमने मैसेज जनरली क्या होता है, मैसेज हम जो बोल रहे हैं कोई ऑडियो सिग्नल हो सकता है ठीक है, इसमें क्या होगा बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होंगी तो ये मल्टीटोन होता है, मल्टीटोन कहने का मतलब मोर देन वन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट
आर प्रेजेंट इन द सिग्नल, ठीक है, लेकिन इसकी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को सिंप्लीफाई करने के लिए सिंगल टोन ले लेते हैं। सिंगल टोन कहने का मतलब जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, जैसे AM cos 2π FMT, है ना, इसमें क्या होगा, इस तरह से AM by 2, दो इंपल्सेस होंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं और कुछ नहीं, AM by 2 del f minus FM plus del f plus FM, है ना। और अगर इसके साथ हम एक कैरियर ले रहे हैं, मॉड्यूलेशन क्या करते हैं, कैरियर के साथ मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, है ना, कैरियर क्या ले रहा है, कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल AC cos 2π FCT, ठीक है, वेयर FC's quite large than FM, this thing FM, है ना, तो इसकी इसकी इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या आता है, ये FC पे चला जाता है, ठीक है, ये दिखने के लिए लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन FC की रेंज बहुत बड़ी है, FC might be in megahertz or gigahertz and FM might be in few hundreds or thousands of hertz, ठीक है। और जब हम MT into CT करते हैं, ये CT है, इसको CT बोलते हैं कैरियर, ठीक है, MT into CT करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और इंपल्स मिलता है, इंपल्स मिलता है ना, एम्पलीट्यूड का वाला भी लिखा हुआ है तो उसको देख लेना, ये कहां पे मिलता है, FC plus FM, और ये कहां पे मिलता है, टोटल चार इंपल्स मिलते हैं, है ना, मैथमेटिकली करके देख चुके हैं, माइनस FC माइनस FM, माइनस FC प्लस FM, और ये FC माइनस FM, ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी, ठीक है। और कल जो लोग नहीं आए थे तो कल ये सब हो चुका है मैथमेटिकली, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम एक बार केवल दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये चार इंपल्स आते हैं टोटल, डेल एफ माइनस FC प्लस FM, ठीक है, इस तरह से ये चार इंपल्स बनते हैं इन चार फ्रिक्वेंसीज पे, ठीक है, और ये करने से कुछ आया नहीं है, केवल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये MT into CT का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आता है, इसको सॉल्व करते हैं और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, है ना, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका ले लेते हैं तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है उसका, ठीक है। अब देखो, हमने ये बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टोन केवल ये बात करें, या अगर इसी को हम ये मैसेज ले ले रहे हैं, ठीक है, स्पीच या ऑडियो सिग्नल ले लेते हैं, इसको हम कन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कन्वॉल्व कर रहे हैं किसी कैरियर सिग्नल के साथ, तो ये क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ एनी फंक्शन MF विथ डेल ऑफ F माइनस FC प्लस डेल ऑफ F प्लस FC बाय प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, ये क्या देगा, M ऑफ F माइनस F नॉट, सॉरी FC नॉट F नॉट, M F प्लस FC, है ना, तो ये वही आ रहा है, अगर यहाँ पे ये MF जो है ये खुद एक डेल फंक्शन होता या इंपल्स फंक्शन होता तो यही देता ना, तो अगर हमारा MF ये है तो ये क्या देगा, ये सिंपल, ये फंक्शन शिफ्ट होके एक बार प्लस FC पे आ जाएगा, एक बार माइनस FC पे आ जाएगा, है ना, कल ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ये होती है अपर साइड बैंड, ये होती है लोअर साइड बैंड, ठीक है, और यहां पे FC का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, यहां पे देखो ये प्रेजेंट कहां पे है, ये शिफ्ट हो रहा है, ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन FC पे खुद कोई, जैसे हमारे यहाँ पे कैरियर था तो कैरियर की वैल्यू FC पे प्रेजेंट थी, कोई कंपोनेंट FC पे था, लेकिन यहाँ पे कोई कंपोनेंट होता है क्या, अच्छा ये MF जो हम बोल रहे हैं, ऑडियो सिग्नल जो की जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम होता है वो ऐसा होता है, है ना, 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज, जो भी स्पीच सिग्नल या ऑडियो सिग्नल होता है 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज तक बीच में गैप होता है, सिमिलरली जो तुम्हारा ये सॉरी वॉइस सिग्नल या ऑडियो सिग्नल होता है, जो भी हम सुन पाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, तो बीच में गैप होता है थोड़ा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे FC का कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता, और उसको बेटर समझने के लिए यहां से देख लो, ये एक कंपोनेंट प्रेजेंट है FC माइनस FM पे, एक प्रेजेंट है FC प्लस FM पे, बट FC पे खुद कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, है ना,
इसलिए इसको बोलते हैं डीएसपी, डबल साइड बैंड, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड अलोंग विथ सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर कंपोनेंट्स एब्सेंट है, ठीक है। ये बात तो ये इतना तक तो कल डिस्कस हो गया था, है ना। अब देखो, यस सर, अब हमारे पास अगर एक स्पेक्ट्रम ऐसा दिया हो, सिंगल टोन की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एम्पलीट्यूड के लिए अभी हम रहने दे रहे हैं, एम्पलीट्यूड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है वो निकाल सकते हैं, हम केवल समझने के लिए बता रहे हैं। सपोज करो एफ सी पे भी कोई कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, सर पेज को थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, पेज नहीं दिख रहा है सर, वो ऊपर कागज टाइप का, ये देखना है या पहला जो लिखा है वो देखना है? नो सर, एम ऑफ एफ कन्वोल्यूट विद वो, अच्छा वो, अरे वो सिंपल इंपल्स की प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की, हम जानबूझ के उसको उस पे इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सिग्नल सिस्टम का है ना, मैथमेटिकली कर दिया है ना, तो कन्वोल्यूशन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल इतना समझो कि कोई भी फंक्शन एमटी हो, एमटी में लिखा हो, एम ओमेगा में लिखा हो, एमएफ में लिखा हो, पैरामीटर्स है ना, अगर कन्वॉल्व होता है इंपल्स फंक्शन ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एम ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यस सर, तो वही ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस इसी को शिफ्ट कर देता है ना बाय टी नॉट, तो यहां पे वही हो रहा है, ये फंक्शन शिफ्ट हो जा रहा है बाय एफ सी। अब एफ सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए वो पूरा डीसी वैल्यू के अराउंड ना होके वो एफ सी के अराउंड कॉर्नर हो जा रहा है, सेंटर हो जा रहा है, यहाँ पे ये एफ सी वैल्यू है, ये सेंटर वाली है ना। सिमिलरली अगर ये एडिशन ऑफ फ्यू इम्पल्सेस है तो वो एडिशन ऑफ फ्यू इम्पल्स आ जाएगा टी माइनस टी वन, तो यहाँ पे ये प्लस एम ऑफ टी प्लस टी माइनस टी वन हो जाएगा, है ना। इसको कर सकते हो मैथमेटिकली, ये इसको प्रूव भी कर सकते हो कन्वोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, बट अगेन ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट है इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, केवल ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए बस, क्योंकि इससे तुमको समझने में भी आसानी होगी। तो कन्वोल्यूशन तो पढ़ लिया होगा ना सिग्नल सिस्टम में? यस सर, पढ़ लिया है। तो ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा नो सर, बस मुझे स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा तो स्क्रीनशॉट टाइप का तो लिखा नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक है। ठीक है, तो यहां पे अगर माइनस एफ सी प्लस एफ एम और यहां पे भी एक माइनस एफ सी का एक टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है, ये माइनस एफ सी का, तब ये क्या होगा, इसको बोलते हैं डीएसपी विथ फुल कैरियर, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? तो देखो इसमें क्या है, डीएसबी वाले टर्म्स तो प्रेजेंट हैं, डबल साइड बैंड वाले, है ना, डबल साइड बैंड फुल कैरियर में ये क्या है, इट इज नथिंग बट डीएसबी एस सी प्लस कैरियर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना, तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके साथ उसमें कैरियर और ऐड कर दें तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मिल जाना चाहिए, है ना। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आता है, ए एम ए सी अपॉन टू, या ऐसे डिटेल में ना लिखो, ऐसे लिखो, सिंपल लिखो क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, अभी अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ए एम ए सी कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी, है ना, प्लस कैरियर इसमें ऐड कर दें, ए सी कॉस टू पाई एफ एम टी,
ठीक है। एसी कॉमन ले लें क्या? सर। सर कॉस एसी, अच्छा टू पाई ये एफ सी टी एफसी, होगा। सॉरी, हाँ एफसी होगा, ठीक है। ये पूरा हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, यस सर। ये पूरा कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा? वन, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? एम कॉस टू पाई एफ एम टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। केवल लिखने के लिए हमने इसको इधर लिख दिया है, बस और कोई बात नहीं। ये पूरा हमने कॉमन लिया था ना, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा मैसेज सिग्नल था, वन प्लस एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, ठीक है। अभी यहां पे देखो, यहां पे स्केल हमने नहीं किया इसको, एम को एम ही रखा था। जनरली हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा स्केल कर देते हैं, के ए एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी। कैरियर हमेशा साइनोसॉइडल ही लेते हैं। एम टी कैन बी एनीथिंग, एम टी तुम्हारा ऑडियो सिग्नल हो सकता है, बर्ड्स चर्पिंग हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है ना एम टी। तो यही है तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सर ये केस बता रहे हैं, क्या है? बता रहे हैं, बता रहे हैं। कोई स्केल है, एम्पलीट्यूड क्या आएगा उसका? एम के ए हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज करो एम की वैल्यू बहुत लार्ज होती तो उसी को स्केल डाउन करने के लिए, या एम की वैल्यू बहुत स्मॉल होती तो उसको स्केल अप करने के लिए के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो भी समझ में आएगा कि क्यों के इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल इक्वेशन लिख लो, के को बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। हाँ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर, एम रिसीवर, एम ट्रांसमीटर। जनरली एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी लिखो, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ एम ट्रांसमीटर बोलते हैं जनरली। ट्रांसमीटर जो बोल जिसको ट्रांसमीटर बोलते हैं उसको घूम घूम के कहीं पे मॉड्यूलेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हो गई। तो ये समझ में आया? तो कई जगह पे ना सीधा ये एक्सप्रेशन लिखा रहता है, तो कई बार समझने में प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली आता क्यों है, तो इसको ये ध्यान रख सकते हो, एम क्या होता है? एम इज नथिंग बट डीएसपी विथ फुल कैरियर, ठीक है। तो फुल कैरियर के साथ जब वहां पे एफसी वाला कंपोनेंट भी आएगा तो एक कैरियर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें से अगर ये वाला टर्म इग्नोर कर दो तो ये पूरा क्या है, ये कुछ नहीं है, बस डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर है। उसमें एक कैरियर वाला मल्टीपल ऐड कर दोगे तो वो डीएसपी फुल कैरियर हो जाता है, और उसी को एम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बना लिया है ना। और ये एमटी की, जब इसको हम एमटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। मल्टी टोन क्यों? क्योंकि एमटी माइट हैव मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट। लेकिन अगर उसमें हम केवल अगर एमटी को हम रिप्लेस कर दें सिंगल टोन से, एम कॉस टू पाई एफ एम टी से, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल टोन एम मॉड्यूलेशन। सिंपल सिंगल टोन एम कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तब? सिंगल टोन एम, और इसको खुद क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सिग्नल, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए हमेशा सिंगल टोन सिग्नल्स को ही प्रिफर करते हैं, और जब भी हम समझना होगा हमें, या वैसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो प्रैक्टिकल पर्पस हमेशा मल्टी टोन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है क्या? यस सर थोड़ा। नोट कर लो। सर के एक बार और बता दीजिए ना। हाँ, बताएंगे ना उसको, बनाए डायग्राम के साथ समझाएंगे। ओके सर। अभी वैसे ही लिख लो बस।
वो के क्यों इंट्रोड्यूस होता है, के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कितनी नहीं होगी, ये सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, अब देखो सिंगल टोन की अगर हम बात करें, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने नहीं बताया ना, हमने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक है, तो हम करते क्या है एक्चुअली, नाम क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। है ना, तो एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग। पता कैसे चल रहा है, मतलब एक तो हमारे पास कैरियर है, एक हमारे पास मैसेज है। ठीक है, हम करते क्या है कैरियर के, अच्छा इसमें हम क्या क्या वैरी कर सकते हैं कैरियर में, एक हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, एक होता है हमारे पास फ्रिक्वेंसी, एक होती है फेज। तो जब भी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम एम्पलीट्यूड वैरी कर रहे होंगे कैरियर की, तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। जब भी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही होगी, तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, जब भी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की फेज वैरी कर रही होगी या फेज मॉड्यूलेट हो रही होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यही पूरा तुम्हारा सिलेबस है एनालॉग कम्युनिकेशन का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, और उसके बाद इसके रिसीवर्स जिसके थ्रू मैसेज भेज रहे होंगे, है ना। और उसके बाद शायद पांचवी यूनिट है कि नॉइज, इसमें नॉइज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो बस यही, इसमें यही पूरा सिलेबस है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, जैसे कैरियर क्या है, कैरियर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। हाई फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब टाइम पीरियड बहुत कम है, ये कैरियर है ना, समवॉट लाइक दैट, दिस इज सीटी। अगर हम मैसेज सिग्नल ले लें, सिंगल टोन की बात कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल कुछ ऐसा होगा, है ना, ये दोनों ठीक है। अगर हम एमटी इंटू सीटी कर दें तो क्या बनेगा, साइनसोइडल के अंदर सीटी आ जाएगी, जहां पे जहां पे जहां पे ये पॉजिटिव होगा वहां पे तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा, जहां पे ये निगेटिव होगा क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देगा ना, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद निगेटिव, निगेटिव वैल्यू देगा, है ना, तो ये इनवेलप टाइप का बन जाएगा इसका। मतलब और दोनों तरफ, है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज भी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का वो चेंज हो रहा है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग। ये क्या है, ये मैसेज है ना। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे क्या था एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड फिक्स था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, इसको फॉलो कर रहा है, दिख रहा है ना, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। बट ये क्या है, ये कैसा मॉड्यूलेशन है, ये डीएसबी एससी है। एससी क्यों बोल रहे हैं, सबेस्ट कैरियर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एफसी वाले कंपोनेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम बता देते हैं, ये जो के इंट्रोड्यूस हो रहा है, के इंट्रोड्यूस इसलिए हो रहा है कि इस सिग्नल को जब हम डिटेक्ट करना चाहते हैं या डिमोडुलेट करना चाहते हैं, मतलब इसमें से वापस हम मैसेज सिग्नल को वापस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनवेलप डिटेक्टर। इनवेलप मतलब ये इसका इनवेलप बोलते हैं, ये जो वेरिएशन है ना इसके एम्पलीट्यूड में, ठीक है, इसको इसको इसका इनवेलप बोलते हैं। इनवेलप मतलब लिफाफा, जैसे तुम मैसेज भेज रहे हो तो मैसेज को क्या करते हो, लिफाफे के अंदर भेजते हो ना, तो इसलिए इसके इसको इनवेलप बोलते हैं ये इसी को, और इसी में इसका मैसेज छिपा हुआ है ना, तो इसी को हमको डिटेक्ट करना है। तो इसको डिटेक्ट करना है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये करता है कि
कि जब भी हम एनवलप डिटेक्टर बनाते हैं तो एनवलप डिटेक्टर इज नथिंग बट ये इस तरह का एक डायोड बेस्ड सर्किट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीक डिटेक्टर। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे, केवल अभी यहाँ पे के ए के लिए बता देने कि के इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, ठीक है, उसको डायग्राम के थ्रू भी बताएंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं बताने के, तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना लोगों को बताते हैं। तो इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि ये सिग्नल कहां से कहां तक जा रहा है, ये पूरा यहां जा रहा है ना, और फिर निगेटिव में भी आ रहा है, ये देखो ये निगेटिव में भी आ रहा है, लेकिन ये इस सर्किट में, इस एनवेलप डिटेक्टर का जो सर्किट हम प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं, वहां पे डायोड क्या होता है, पीक डिटेक्टर एक ही तरफ काम कर सकता है, एक तरफ मतलब पॉजिटिव वेव के लिए, है ना। Yes, जब भी निगेटिव में जाएगी, जब जैसे यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल आएगा तो ये डायोड सर्किट ऑफ हो जाएगी, समझ रहे हो, ये डायोड सर्किट जैसे ही सिग्नल मैसेज सिग्नल हमारा निगेटिव जाएगा, ये सर्किट ऑफ हो जाएगी। इसको डिटेक्ट करने के लिए जब हम इसको इनपुट देंगे तो ये जैसे ये मैसेज निगेटिव होगा तो ये सर्किट ऑफ हो जाएगी, मतलब निगेटिव पोर्शन ये क्लिक कर देगा, है ना, क्योंकि सर्किट ऑफ रहेगी तब। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्केल करते हैं, जैसे क्लैंपर यूज करते हैं ना, तो हम इसको एक्चुअली क्लैंप कर देते हैं, मैसेज सिग्नल, मैसेज को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ठीक है, हम मैसेज को ये दे देते हैं, हमने थोड़ा सा क्लैंप कर दिया उसको, ठीक है। अब हम इसको सीटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इसके बुक्स में डायग्राम थोड़ा ठीक होंगे, अपने हम बाय हैंड बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये इसको पैड पे बनाने की हमारी आदत भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ नहीं बन पाता हमसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगेन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, तो इन दोनों का जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो आएगा तो निगेटिव ही। तो अब जो एनवलप बनेगा वो कैसा बनेगा, एक मिनट हम बता, हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ना क्योंकि छोटी पड़ रही है स्क्रीन, ध्यान देना। अब जो एनवलप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सिमिलरली निगेटिव साइड में भी, ठीक है, लेकिन देखो ये किसी पॉइंट पे जीरो के नीचे नहीं जा रहा है ना, सिमिलरली, ठीक है। तो ये कौन सी वेव है, ये AM वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या इसको बोल सकते हैं DSB FC विथ फुल कैरियर, ठीक है। इसके सब लेवल्स भी, इसके सबके लेवल्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ AM and AC, तो उसके बेस पे कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो सब कराएंगे अभी मैथमेटिकल जब कराएंगे, तो अभी केवल समझाने के लिए इसको बना दिया, ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है ना, यहाँ पे सीटी कैसे था, कैरियर का एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का फिक्स था, यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फिक्स थी, ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना था, AC था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है, यहाँ पे इतना था, यहाँ पे पीक इतना आया, यहाँ पे इतना पीक आया, यहाँ पे इतना आया, है ना, इस तरह से, और अंतर क्या है उन दोनों में, DSBSC में क्या था, ये वैल्यू जीरो पे आ रही थी, जीरो तक आ सकती थी, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। अब ध्यान से देखो, AC 1 प्लस, अगर हम इसको के को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, मान लो के नहीं लग रहे, ठीक है, के को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक, कितना आएगा यहाँ पे, MT cos 2 pi FC T, ठीक है,
अगर एम टी की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए तो, सॉरी वन से बड़ी इन द सेंस निगेटिव सेंस में, सपोज करो एम टी की वैल्यू है माइनस सॉरी थ्री कॉस टू पाई एफ एम टी, तो पॉजिटिव साइकिल में तो ये मैक्सिमम वन प्लस थ्री फोर तक जाएगा। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं कि ए सी वन प्लस थ्री कॉस टू पाई एफ एम टी, सपोज करो तुम्हारा मैसेज ये था ठीक है, इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी, के बता रहे हैं कि लेवल हो गया। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि के क्यों ले आते हैं ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? पॉजिटिव साइकिल में ये वन और ये थ्री, तो ये फोर तक जाएगी। ये बात क्लियर है ठीक है। निगेटिव साइकिल में क्या होगा? ये वन होगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव तरफ चली जाएगी। ऐसा कुछ स्केल अभी भी कर रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, लेकिन इतना क्लैंप नहीं कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव में ही रहे, तो ये निगेटिव पोर्शन भी आएगा है ना। पॉजिटिव में प्लस फोर तक जाएगा, निगेटिव में माइनस टू तक जाएगा है ना। और इसको डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा इस सर्किट के थ्रू जिससे हम डिटेक्ट करते हैं। अभी हमने इनवर्टर डिटेक्टर पढ़ाया नहीं है, हम केवल ये बता रहे हैं कि केक आता क्यों है, स्केल करते क्यों है ठीक है। तो इसके लिए ये वाला पोर्शन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और ये डिटेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा मैसेज सिग्नल जब आधा तुमने मैसेज डिटेक्ट ही नहीं किया, केवल इतना डिटेक्ट कर रहे हो, तो मैसेज तो अपनी इन्फॉर्मेशन लॉस कर जाएगा ना, जैसे हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली और तुमको पांच सेकंड सुनाई दे और अगला तीन सेकंड ना सुनाई दे, फिर पांच सेकंड सुनाई दे अगला तीन सेकंड ना सुनाई दे, तो मैसेज अपनी इन्फॉर्मेशन लूज कर जाएगा ना। हम क्या बोल रहे हैं, मे बी तुम उसको समझ ना पाओ पूरी तरह से है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पूरा डिटेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये नहीं, अगर कोई और ऐसी सर्किट हम बनाते जिससे हम इसको भी डिटेक्ट कर सकें, ऐसी सर्किट भी होती हैं, लेकिन इसको डिटेक्ट हम कर सकें तो अच्छी बात है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ईजी सर्किट है, इजिली अवेलेबल और हमारे लिए बड़ी ईजी होती है बनाना और उसको यूज करना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको फर्दर शिफ्ट कर देते हैं। अब अगर हम इस थ्री को ऐसे के ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट दिस ओवरऑल रिमेन्स पॉजिटिव ठीक है, पॉसिबल है ना। दिखाते हैं कैसे। yes, हम क्या कह रहे हैं, वन प्लस अब यहाँ पे हमने के इंट्रोड्यूस कर दिया एम टी के साथ ठीक है, थ्री कॉस टू पाई एफ एम टी, सो दैट इसकी वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव रहे, पॉसिबल है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस थ्री के शुड बी ग्रेटर देन जीरो है ना, निगेटिव में ले लो इसको, क्योंकि निगेटिव में ये तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव वाले में ले लो माइनस थ्री ले लो इसकी वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा है ना। कहने का मतलब ये है कि वन प्लस थ्री के कॉस टू पाई एफ एम टी पॉजिटिव साइकिल में तो ये पॉजिटिव रहेगा ही ठीक है, निगेटिव में भी इसको पॉजिटिव रहना है, तो निगेटिव में क्या होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन, इसको माइनस वन रखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, वन माइनस थ्री के, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, शुड बी लेस देन वन बाई थ्री, तो के की वैल्यू अगर वन बाई थ्री से कम रखोगे, वन बाई थ्री या वन बाई थ्री से कम, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए के इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जब हमेशा पॉजिटिव आएगी है ना, तो ये क्या होगा, ये जो जीरो के नीचे जा रहा था ये कभी जीरो के नीचे नहीं जाएगा, वर्स्ट केस में ये टच करेगा केवल ठीक है। और जब तक निगेटिव नहीं जा रहा है तब तक हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग इनवलर डिटेक्टर, केवल इसलिए वो के इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है। ये है बाउंड्री, ये बाउंड्री कंडीशन, इसको क्रिटिकल बोलते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल मॉड्यूलेशन ठीक है इन एएम। ठीक है, तो एनवेलप डिटेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, एनवेलप डिटेक्टर कुछ नहीं है, तुम्हारा पीक डिटेक्टर है, जो एनालॉग में हम लोग पीक डिटेक्टर पढ़ते हैं वही है ठीक है। तो ये हमेशा पीक, क्योंकि इसको पीक डिटेक्ट करना है ना, जब अगर ये हर बार पीक डिटेक्ट करता रहेगा है ना हर बार, तो देखो ये एम टी वापस रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यही है इसके सारे पीक्स। पीक डिटेक्टर से अगर हम इस पे लगा देंगे, इस सिग्नल को पीक डिटेक्टर को दे देंगे, तो वहां से ये सिग्नल वापस रिकवर हो जाएगा और वही हमारा मैसेज सिग्नल है ना। और हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसको यूज क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब चीप है और इजी है, इजी टू यूज ठीक है। अब अगर हमारा सिग्नल ये वाला होता इस तरह से, जिसमें निगेटिव साइकिल भी जा रही है ठीक है, तो
इससे मैसेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज करना पड़ता। ये भी केवल नाम सुनो, ये सब लिखवाएंगे, ये सब बताएंगे, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर में केवल बता रहे हैं अभी। तो ये सब सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करते, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर के साथ डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉम्प्लेक्स बहुत है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सिग्नल को स्केल कर देते हैं बाई के ए, मैसेज सिग्नल को, सो दैट दिस टर्म रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव दिस। ठीक है, अब समझ में आया सपना के क्यों ले आते हैं? यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है, हम सिंगल टोन की बात कर रहे थे, है ना। सिंगल टोन एएम सिग्नल क्या था, एसी 1+KA एमटी कॉस 2πfcT। सिंगल टोन में एमटी कितना हो जाएगा, एएम कॉस 2πfmT। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एएम एक्सप्रेशन बन जाएगा तुम्हारा एसी 1+KA एएम कॉस 2πfmT इंटू कॉस 2πfcT। ये के एम जो है इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम, ठीक है। तो कई जगह पे लिखा रहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने इसकी सर्किट नहीं पढ़ी, हम केवल मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हैं, कैसे जनरेट करेंगे या कैसे मैसेज रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अभी हम उस पर आए नहीं है। हमने केवल अभी देखा मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम, सॉरी मैथमेटिकल इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये सब मेरी नोट्स में है, तो हम इसको, अभी हमारे पास हमारी खुद की नोट्स है नहीं, तो हम उसको भेज देंगे, तो वो बहुत बढ़िया सीक्वेंस में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास जो नोट्स अभी पड़ी हुई है सॉफ्ट कॉपी में, वो मेरी है नहीं, तो किसी और की है, तो मे बी उसमें कुछ उल्टा सीधा भी लिखा हो सकता है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं भेज रहे हैं। तो अभी समझते चलो, हमारी नोट्स जब हमारे पास होगी तो हम उसको भेज देंगे तुम्हें पीडीएफ बना के। बाय द टाइम किताब से देखते चलो, और नोट्स जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उसको समझते चलो, उतना उतना इनफ है, ठीक है। अब देखो, अगर हम पावर निकालना चाहें तो पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एएम यहां पर लिखने का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एएम सिग्नल क्या होता है, एएम सिग्नल है सिंगल टोन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जब भी कैलकुलेशन वाले जितने भी पार्ट आएंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट, एनालिसिस वाले पार्ट, सब जगह सिंगल टोन का ही यूज करेंगे। एसी 1+KAM को हमने सीधे म्यू लिख दिया है, ठीक है, कॉस 2πfmT कॉस 2πfcT। ओपन करके लिखते हैं कितना आ जाएगा, एसी कॉस 2πfcT प्लस एसी इंटू म्यू बाई 2 कर दे रहे हैं एक साथ ही, इंटू 2 कॉस 2πfmT इंटू कॉस 2πfcT, है ना, ठीक है। कुछ अलग तो नहीं, कुछ अलग तो नहीं लिखा। अब बताओ पावर निकाल के कितनी आ रही है, पावर इन एएम, दो अलग अलग साइनोसॉइड्स हैं, एक ये साइनोसॉइड है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस 2πfc+fmt प्लस कॉस 2πfc-fmt, है ना, मल्टीप्लाइड विथ एसी म्यू बाई 2। ये टोटल एक साइनोसॉइड ये फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, एम्पलीट्यूड दिया है, पावर निकाल के बताओ कितनी आ रही है। सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है ना पावर निकालना, यस सर, निकाल के बताओ सपना जल्दी कितनी आ रही है, सब लोग निकाल के बताओ।
कितनी आ रही पावर, इसकी कितनी आ जाएगी? एसी स्क्वायर प्लस अपॉन, म्यू स्क्वायर बाय टू, जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ले ली है। हाँ वो तो सिग्नल में भी ऐसे ही करते हैं ना जनरली। ये क्या होता है, ये वोल्टेज सिग्नल मानते हैं इसको, इसको पूरा वोल्टेज सिग्नल मानते हैं। तो पावर कितनी आती है, स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर बाय आर, आर। और आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं आइडियल केस में। सिग्नल सिस्टम में पावर जब निकालते हैं तो यही मान के करते हैं ना, यस आर की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं। तो एसी स्क्वायर अपॉन टू आ गई इसकी, और इस पूरे में कितनी आ जाएगी इसकी, प्लस एसी इसकी स्क्वायर इसको म्यू ओपन करके स्क्वायर लिख लो, बाय फोर। इसकी एसी म्यू अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, प्लस इसके लिए जब लिखोगे तो अगेन एसी म्यू अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो ये दोनों सेम है, तो ये ऐड होंगे तो ये टू टू कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर अपॉन टू प्लस एसी स्क्वायर, उसको ओपन कर दिया, एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन फोर फोर, है ना? यस सर, एसी सर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यस पावर सर। निकालना, पावर निकालना देख लेना, है ना? पावर निकालना ये हमेशा चलेगा इसमें, ये पावर निकाल। इसीलिए बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन जो है सिग्नल सिस्टम के साथ रखना बड़ा अजीब है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम पढ़े रहते हैं तो उसको यूज करने में इजी होती है। हर स्टेप में कुछ ना कुछ बताना पड़ता है हमें एक्स्ट्रा। चलो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एसी स्क्वायर अपॉन टू को कॉमन ले लें अगर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। न्यू स्क्वायर बाई टू, यही होती है पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिंगल टोन सिग्नल। ठीक है, गिवन कैरियर कैसा है तुम्हारा, और ये सिंगल टोन के लिए है ना। गिवन कैरियर कैसा है, कैरियर भी तुम्हारा साइनोसॉइडल है, कॉस 2 पाई एफ सी टी के फॉर्म का है। ठीक है, हो सकता है कैरियर इस फॉर्म का ना हो सकता है कैरियर तुमने रेक्टेंगुलर फंक्शन लिया हो, ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर फंक्शन भी पॉसिबल है ना, जरूरी नहीं है साइनोसॉइडल ही। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहे हैं कैरियर कैसा भी हो सकता है। तो कई बार ना इसको ए सी स्क्वायर अपॉन टू की जगह पे, क्योंकि ये क्या है, ये कैरियर पावर है ना, तो इसको सीधे ऐसा भी लिख देते हैं, पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, ये हो जाती है पी एम। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा रहता है, तो ये क्या होती है पीसी, ये होती है कैरियर पावर। कैरियर पावर कहने का मतलब पावर इन कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसको ओपन करके लिखें तो कितना आ जाएगा, पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर बाई टू, है ना। यस सर। अब जरा स्पेक्ट्रम याद करो, स्पेक्ट्रम कैसा होता है सिंगल टोन के लिए, एक होता है एफसी पे कंपोनेंट, एक होता है एफसी प्लस एफएम पे, एक होता है एफसी माइनस एफएम पे। ठीक है, तो जो भी कैरियर पावर होगी वो किसके लिए आ रही होगी, एफसी के एफसी लिए। कंपोनेंट कंपोनेंट के लिए आ रही होगी। कैरियर पावर तो ऑब्वियसली जो, अगर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफसी प्रेजेंट है तो कैरियर पावर एफसी के लिए ही आ रही होगी, एफसी से ही आ रही होगी ना कैरियर में पावर, क्योंकि एडिशन है। जो कैरियर पावर आ रही है वो ऑब्वियसली एफसी कंपोनेंट से आ रही होगी, तो बची हुई पावर कहाँ जा रही होगी, साइड साइड बैंड्स में, बैंड साइड बैंड्स में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं साइड बैंड पावर, पीएसपी। तो टोटल पावर इन एएम सिग्नल इज सम ऑफ कैरियर पावर प्लस सम ऑफ साइड बैंड पावर। ठीक है, हम करना क्या चाहते हैं, हम मैसेज भेजना चाहते हैं ना, कैरियर तो हम नहीं भेजना चाहते, लेकिन यहाँ पे कैरियर एक्स्ट्रा जा रही है, तो इसको टोटल ट्रांसमिटेड पावर एक्स्ट्रा। बोलते हैं, है ना। पी ए एम या पी टी बोलते हैं इसको, मतलब टी बोलने का मतलब ट्रांसमिटेड पावर।
इतनी पावर हमें भेजनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके साथ ये कैरियर भी जा रहा है, ठीक है। और ये है साइड बैंड, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पावर क्या है, साइड बैंड पावर। कैरियर पावर तो एक्स्ट्रा जा रही है, हम भेजना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है भेजना, है ना, क्योंकि हम उसको अगर नहीं भेजेंगे तो हमारे लिए डिमोडुलेशन बहुत दिक्कत करेगा, डिमोडुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें कैरियर भेजना मजबूरी है, लेकिन हम भेजना नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर हम यहां पे निकालना चाहें कि साइड बैंड, अच्छा साइड बैंड कौन कौन से होते हैं, साइड बैंड दो होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, है ना। तो हाफ ऑफ, क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं तो हाफ ऑफ पावर दोनों में आती होगी, यानी कि पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन फोर इधर आ जाएगी, पीसी म्यू स्क्वायर अपॉन फोर इधर आ जाएगी, क्योंकि टोटल साइड बैंड पावर कितनी है, पीसी म्यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है। Yes. Which is equivalent to saying PSB by 2, PSB by 2, ठीक है। अच्छा, यहां तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया सब? तो yes, कोई भी कॉस के साथ या किसी भी साइनोसॉइड के साथ कोई भी फंक्शन लिखा होता है ना, तो उसमें पावर निकालनी होती है, तो पावर आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर होती है, है ना। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका जो पीक एम्पलीट्यूड है उसका पीक एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई रूट टू उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, तो उसी की स्क्वायर कर दोगे तो वही उसकी पावर देता है, तो यहीं से ये आता है एसी स्क्वायर अपॉन टू, है ना। इसी तरह ये भी उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड आ रहा है इस कॉस फंक्शन का भी और इस वाले कॉस फंक्शन का भी, है ना, इसका भी और इसका भी, कि ब्रैकेट में है ना मल्टीप्लाइड, तो इसका स्क्वायर बाय टू यहाँ पे और सिमिलरली इसका स्क्वायर बाय टू यहाँ पे, ये दोनों सेम फंक्शन है, तो जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ कट जाएगा, हाफ ऑफ वन हो जाएगा ना, तो ये केवल इतना बचेगा, ये जो जितना ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय फोर, तो इन दोनों का टर्म मिला के तो ये कर्सर चला जाता है इसमें, पता नहीं कहा ये वाला टर्म मिला के इतना देगा, है ना। फिर वहां से बस वहीं से हमने थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेके उसको सेटअप में लिख दिया है, बस और कोई बात नहीं है, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक समझने में, ये पावर चाहे तो नोट कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना, चाहे तो रफी नोट कर लेना, तो कोई वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक टर्म और आता है मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी एन इज, ये क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस परसेंटेज ऑफ साइड बैंड पावर पीएसबी डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ठीक है। मतलब साइड बैंड पावर सिंपल ऐसे लिखो, पीएसबी अपॉन पीटी, मतलब साइड बैंड पे कितने परसेंट पावर जा रही है टोटल पावर की, ये उसकी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होती है, इसको हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा था, तो ये हमेशा परसेंटेज में आता है, इन परसेंटेज, ठीक है। इफिशियंसी किसमें आता है, पीएसबी इन पीटी, पीएसबी कितना आता है, पीसी म्यू स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय टोटल पावर, टोटल पावर कितनी आएगी, पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू, है ना, आपके ऊपर लिखा है, तो ये पीसी और ये पीसी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, म्यू स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाई टू प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी कितना आ गई, म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर टू प्लस म्यू स्क्वायर,
ठीक है, तो अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू पता है तो हम उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो इन सब पे बहुत सारी पीएसयूज में क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, केवल फॉर्मूला बेस्ड, वैल्यूज दी होंगी, वैल्यूज पुट करके तुम्हें फॉर्मूला निकाल देना। और ये एन हमेशा ना एफिशिएंसी है, तो ये परसेंटेज में आती है, ठीक है, इन परसेंटेज हमेशा, ठीक है। जैसे 0.5 आ रहा हो या 0.25 आ रहा हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना है 25% में, तो चाहे तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करके भी लिख दो, लेकिन इतना तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो पीएसयू में क्वेश्चन आते हैं इस पे सीधे सीधे। अच्छा, अब गेट में देखो, गेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो गेट में जो क्वेश्चन आएगा ना वो सीधे पावर पे नहीं पूछेगा, पावर में, क्योंकि उनको सबको पता है कि सिंगल टोन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तो वो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों को चेंज कर देंगे। तो कैरियर सिग्नल हो सकता है वो रेक्टेंगुलर कर दें, ठीक है, मैसेज सिग्नल हो सकता है ट्रायंगुलर कर दें, या कोई एक साइनोसॉइडल ही रहने दें, बाकी किसी एक को चेंज कर दें, है ना, तो कोई एक ट्रायंगुलर कर दें, कोई एक रेक्टेंगुलर कर दें, इस तरह से वो चेंज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें पता क्या होना चाहिए, पावर निकालना अलग अलग वेवफॉर्म्स के लिए। तो अलग अलग वेवफॉर्म्स अगर दे रहा है, अलग अलग वेवफॉर्म यूज करें, तो उसकी पावर कैसे निकालेंगे ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन गेट में डिजाइन करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए। पीएसयूज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, पीएसयू में सेम यही क्वेश्चन आएंगे, जो फॉर्मूला अभी तक लिखा हमने इसी पे वैल्यूज पुट करके सीधे निकालने के लिए, ठीक है। तो पीएसयू का लेवल हाई नहीं होता है जनरली, पीएसयू का लेवल इजी होता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको आंसर दे देना है, टाइम लिमिट इज अ प्रॉब्लम। गेट में क्या होता है, गेट में टाइम लिमिट प्रॉब्लम नहीं है, गेट में कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें एक दिखाना था बुक, एक मिनट रुको, इतना सब नोट कर लिया है ना, yes. किसी को नोट तो नहीं करना था, सबने नोट कर लिया है ना, कर लिया सर, यस सर, ठीक है, yes, एक मिनट हम वापस से स्टार्ट करते हैं। यस सर, समीक्षा मैम की, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो देखो मल्टीप्लेक्सिंग में करते क्या है, उस दिन बता रहे थे ना कि अलग अलग जैसे सिग्नल्स तुमको भेजने हैं तो सबको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट कर देंगे, है ना। तो इस पे देखो कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 है, ये F2 है, तो यही जो F1 F2 लिखा है इसी को हम FC1 FC2 लिखते हैं, फर्स्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी, सेकंड कैरियर फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जितने सारे कैरियर होंगे उनको सबको उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस होगा कि उनके स्पेक्ट्रम एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, है ना। तो गार्ड बैंड भी डिस्कस किया था कि गार्ड बैंड क्या होता है, तो क्रिटिकल, अगर क्रिटिकल स्टेज की बात करेंगे तो जस्ट उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जस्ट टच कर रही होगी, ओवरलैप नहीं कर रही होगी, ओवरलैप करने लग जाएगी तो इन्फॉर्मेशन अगेन लॉस हो जाएगी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गार्ड बैंड छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हर एक सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देंगे, ठीक है, और मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट आएगा उसको एड करके ट्रांसमिट कर देंगे थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम देखो ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे लगे होंगे एंटीनास, एंटीनास यहां से ट्रांसमिट कर रहे होंगे, यहां से रिसीव कर रहे होंगे, है ना। तो जिसको यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होगा, ट्रांसमीटर क्या होगा, एंटीना, यहाँ पे भी एक एंटीना लगा होगा जो रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा सिग्नल इन एडिशन ऑफ ऑल दिस वो हर एंटीना पे रिसीव होगा, है ना, वन से लेके एन तक के सारे एंटीना पे सारा सिग्नल रिसीव होगा, क्योंकि एडिशन है ना, तो सारे सिग्नल रिसीव होंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, देखो सब पे फिल्टर लगा है, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी F1 है, F2 है, इसी तरह से FN होगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, फिल्टर्स केवल उस सिग्नल को ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। फिल्टर का काम क्या होता है, यूजफुल फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना और उसके बाहर के बैंड्स को रिजेक्ट कर देना। तो ये क्या कर रहा है, ये फिल्टर, ये एक तरह से चैनल वही है, सीमोट का काम कर रहा है,
जो चैनल हमें देखना है हमने उसको सिलेक्ट किया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी किस पे होगी, F1 प्लस माइनस FM पे होगी, है ना, सेंटर्ड अराउंड F1, तो उसको हम डिमोडुलेट करेंगे। अब डिमोडुलेट कैसे करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको भी ये भी डिस्कशन में है। लेकिन डिमोडुलेशन का सिंपल सा मतलब अभी क्या है कि F1 या FC से वापस FM की रेंज पे आना, या मेगाहर्ट्ज से वापस हर्ट्ज पे ले आना या किलोहर्ट्ज पे ले आना, ठीक है, मतलब वापस मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने यूजफुल फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर ली, अब उस स्पेक्ट्रम को हम डिमोडुलेट कर लेंगे, डिमोडुलेट करेंगे और उसके बाद एक लो पास फिल्टर से नॉइज हटाने के लिए उसको लो पास फिल्टर से पास करते हैं। तो बेसबैंड फिल्टर जो है ये एक्चुअली लो पास फिल्टर है, इसको नहीं भी लगाएंगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेसिक यही काम होता है, ये पूरा मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं उसका एक डायग्राम है। तो अगर अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान हो, मल्टीप्लेक्सर अगर पढ़ा होगा, तो मल्टीप्लेक्सिंग भी कुछ ऐसे ही होती है ना, बहुत सारे सिग्नल्स को एक चैनल पे आउटपुट करते हैं, यही है ना मल्टीप्लेक्सर का काम, मेनी टू वन, मेनी टू वन बोलते हैं ना। तो ये देखो मेनी टू वन है ना, मेनी टू वन, ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग का काम है। सिमिलरली टाइम डोमेन में भी होती है मल्टीप्लेक्सिंग, उसको टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस यहाँ तक के डिस्कशन के लिए इतनी ही बात बतानी थी, ठीक है। और ये टॉप एंड सीलिंग वाली बुक है, इसको भी हम अभी भेज देंगे तुमको, ठीक है। तो अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है काफी हद तक इसी से हुआ है, जरूरी नहीं है कि सब मिल जाए, पर काफी हद तक इसी से हुआ है। यू कैन लुक इनटू इट। ठीक है, तो ये इसको तुम पढ़ना, तो ये वही जो हम बता रहे ना के की वैल्यू क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये मैक्सिमम अलाउबल मॉड्यूलेशन, कितना मैक्सिमम मॉड्यूलेशन अलाउड है, तो ये देखो ये निगेटिव नहीं जा रहा है, और ये जब निगेटिव आने लग जाएगा या टच करेगा तो ये क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, इसको क्रिटिकल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्रिटिकल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और ये निगेटिव में चला जाएगा जब, तो उसको अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, बुक से अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, ठीक है। ये सब डिस्कस हो चुका है। ये जब नेगेटिव में चला जाता है तो उसको ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं, नहीं अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो रहेगा तो क्रिटिकल, उसके ऊपर रहेगा तो ओवर मॉड्यूलेशन। वो जनरली म्यू की वैल्यू पे डिफाइन करते हैं, म्यू ग्रेटर देन 1 को ओवर मॉड्यूलेशन बोलते हैं, म्यू इक्वल टू 1 पे, म्यू क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू इक्वल टू 1 पे बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और म्यू लेस देन 1 पे अंडर मॉड्यूलेशन। ये सब नोट कराएंगे, इसके परेशान मत हो, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ना है तो इस बुक से ये चैप्टर 3 पढ़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना, नैरो बैंडिंग, नैरो बैंड, पास बैंड, ब्रॉड बैंड, ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं की है वो ये इस बुक से ये चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि कल 2 घंटे की क्लास हुई थी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो वो रिपीट तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, तो सारा सब कुछ वैसा वैसा तो नहीं बता सकते, तो अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर लेना क्या पढ़ाया गया था क्या नहीं पढ़ाया गया था, कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये बुक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, ये बुक भी देख लेना, इसमें चैप्टर 3 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं, क्लास यहीं पे स्टॉप करें।